हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम सबको। तो अभी मैं जा रहा हूँ कर्मा को चाय देने के लिए। आज कर्मा आया है दोपहर से घास काटने के लिए, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों बाहर गए, तो गायों के लिए दो दिन की घास हो जाएगी। इसलिए आज पता नहीं सुबह से मुझे रात में कुछ सोने में गर्दन में मोच आ गई थी, तो इस तरफ नहीं देखा जा रहा इतना, पूरी गर्दन दर्द कर रही है। अभी तो वैसे दवाई ले ली है तो ठीक है। अभी कर्मा को चाय दे के आते, उस तरफ कहीं पर घास काट रहा है वो। शायद उस तरफ कोई मछलियाँ पकड़ने वाले भी आए होंगे, आवाज़ आ रही है और धूप भी बहुत है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा धूप का, रात को बारिश आती है दिन में धूप होती है, या तो दोनों में से कुछ मतलब, ये दोनों साथ में हो, ताकि गर्मी तो ना हो यार ना? ये दिन में धूप होती है, शाम को वैसे भी ठंडक हो जाती है तब बारिश आती है, क्या काम का वो? या तो दोनों साथ में हो या तो दोनों मत आओ, क्योंकि सूरज भी ना निकले और बारिश भी ना आए, सिर्फ हवा चले ताकि ठंडा रहे। और ये है मूंगफली। मूंगफली अभी दिवाली के आसपास, मतलब कि दिवाली के बाद निकाली जाएगी। मेरे बर्थडे के एक दिन बाद है दिवाली, और उसके भी बाद मूंगफली निकलेगी। मतलब कि अभी एक एक पानी शायद आ जाएगा मूंगफली में। यहाँ पर कर्मा घास काट रहा है, बारिश होती है ना तो इस तरीके का घास हो जाता है, यहाँ पर उग जाता है। वहाँ पर बैठा है छाँव में, दारू तो सीख लिया वहां पर। और टांग ना जाए तो कोई तुम दूध नहीं पी रहा है? हले हले
लगता है उसको ऐसा ना तो अच्छा लगता है सूर्य नाड़ी बोलते हैं उसको सूर्य नाड़ी ये यहाँ होती है वो सब अपनी ये बीपी रहती ना हाँ वो सब लेवल पे रहती आले इसको देखो क्या कर रही है जो चीज़ हाथ में आ रही है वो खा रही है वो बादाम के पत्ते हैं वो खा रही है जो कभी किसी ने नहीं खाए हैं वो भी ये खा रही है आम के पत्ते तोड़ रही है लक्ष्मी मैं जायो को पानी पिला रहा हूँ आए हैं प्रताप मामा और दादाजी दोनों जा रहे हैं मूंगफली देखने के लिए तो जो भी घर पे आता है वो एक बार दो मूंगफली देखने के लिए जाते ही हैं और इधर इधर वापस तो घास बाद में खा लेना चलो इधर फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा थोड़ा सा कि अच्छी है नहीं है उनकी कैसी है हमारी कैसी है उसके ऊपर आधे घंटे तक डिस्कशन होगा उसके बाद एक कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ अच्छी है पहले कंक्लूजन नहीं निकलेगा बाद में निकलेगा कि हाँ मूंगफली बहुत अच्छी है तो ये एक प्रथा है हमारे यहाँ की कि जो भी आता है मेहमान वो एक बार मूंगफली दिखाने उनको ले ही जाते हैं चाहे फिर उसको मूंगफली में पता चलता हो ना हो चलता हो एक बार तो जाते ही है चलो और इस बार बारिश की वजह से मतलब कि बहुत सारी जगहों पे मूंगफली का और बाकी सारी फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि अभी जिन्होंने अभी बहुत पहले मूंगफली लगा ली थी उनका अभी निकालने का टाइम था मूंगफली तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अगर बारिश वापस नहीं आई होगी तो फिर उसका कुछ हो सकता है लेकिन फिर ऊपर बारिश आती ही रहेगी तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि खेत में फिर ट्रैक्टर भी नहीं जाता तो वो मूंगफली हम बाहर निकाल सके और कुछ नहीं हो पाता फिर उसका और गुजरात में ही नहीं बहुत सारी मतलब कि ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बारिश हुई है जिस वजह से सोयाबीन के और बहुत सारी फसलों ख़राब हो गई है तो हम किसान हैं ऐसा होता रहता है हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते उसमें होता है तो इस फसल में नहीं तो दूसरी फसल में उसका मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाएगा ऊपर वाला सब देखता है तो अगर ये फसल ख़राब होगी तो दूसरी वाली वो बहुत अच्छी करके देगा क्योंकि वो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है तो कुछ अच्छा हमारे नसीब में लिखा होता है तो इस वजह से कुछ बुरा भी साथ में होता ही है जिनका भी नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाए हम तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं दूसरा कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि उसमें हम कुछ कर ही नहीं पाते दूसरा कुछ नुकसान होता है तो हम उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसका
कर लेते हैं, लेकिन ये फसल ये नुकसान होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा फिर, या सिर्फ फिर डाल ही देने का होता है। तो अभी सारा गायों को पानी पिला लिया है और सबको चारा भी डाल दिया है। अभी ये सारे जहाँ पर बांधते हैं सारी जगह को साफ करने का काम चल रहा है। और ये घास कल काटा था वो भी ट्रैक्टर में ही पड़ा है। और एक बात अच्छी है कि दो दिन से फिर से बारिश नहीं आई है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे इस तरफ बहुत सारे लोगों ने मूँगफली निकाल दी है, तो बारिश नहीं आई तो अच्छी बात है, वरना उनके भी नुकसान हो जाता है। और अभी पापा दूसरे हमारे एक सब्सक्राइबर आए हैं जो कि पहले 2 साल पहले भी आए थे, अगर अपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। फिर से वो आए कल से, उन्होंने नई बाइक ली थी, ये जो बाइक खड़ी है वो उनकी है, TVS की है कोई स्पोर्ट करके, इसका मुझे इतना नहीं पता। तो वो आए थे तो वो पर पापा दोनों गए किलेश्वर, यहाँ पर हमारे पास में ही है महादेव का मंदिर है वहाँ पर पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पर शाम को आ जाएंगे, मतलब कि 8-9 बजे। क्योंकि दादाजी भी गाँव में गए और हमारी कार भी सर्विसिंग के लिए गई है, तो वो भी कल आ जाएगी।